तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी मकर लगन वालों के लिए, अब इस वीडियो में कुंभ लगन वालों के लिए बात करते हैं जून 2022 की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपके लगन के स्वामी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जैसे हमेशा ही आगे बढ़ते रहे लगन से स्टार्ट करके वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका लगन कुंभ है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले शनि की बात करते हैं, और शनि के लिए मैं एक अलग से सीरीज बनाने वाला हूँ जो वक्री शनि के लिए रहेगी, तो वो भी जल्दी आ जाएगी, वो भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें शनि की, तो 5 जून से ये आपके लग्न में ही वक्री होने जा रहे हैं, और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। लेकिन इस दौरान ये यही नहीं रहेंगे, ये मकर में भी प्रवेश करेंगे, और वो 12 जुलाई से ये प्रवेश करेंगे मकर में। तो शनि का यहाँ पे जो मोमेंट है उसका एक पूरा वीडियो, उसका एक पूरा स्पष्टीकरण जिस वीडियो में हो वो वीडियो भी जल्दी आएगा, बट यहाँ पे हम एक ब्रीफ में चर्चा कर रहे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही शनि वक्री होंगे तो कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और यहाँ पे आपके जो सेहत है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो स्वास्थ्य है वो नरम पड़ेगा, और जो आपके ताकत है शरीर में उसकी थोड़ी कमी जरूर यहाँ पे दिखेगी आप लोगों को, या ऐसा महसूस होगा। इसके अलावा शरीर में आलस्य बढ़ सकता है, या फिर जो अकेलेपन की भावनाएं हैं या जो अकेले रहने की इच्छाएं हैं वो बढ़ सकती हैं, और किसी भी प्रकार से आप कोई भी काम करने जाएंगे, कितना भी तेजी से काम करने जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये फील होगा कि आप उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका शरीर भी उस गति से काम नहीं कर पा रहा है जिस गति से आप 2 साल 3 साल पहले करते थे, यानी जब शनि कुंभ में नहीं आए थे उससे पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं ये इनका असर पड़ेगा, और शनि का असर आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके सेहत के अलावा आपके बिजनेस पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, इन सब पर यहाँ पड़ेगा, और ओवरऑल आपकी जो एक हम कहें कि ओवरऑल जो लाइफ है उस पर इनका असर जरूर होगा। तो क्योंकि ये तीसरे घर को देखते हैं, उसके बाद ये सप्तम को देखते हैं और 10th हाउस को देखते हैं, तो ऐसे में देखिए इन तीनों भावों पर इनका असर पड़ रहा है। तो निश्चित ही आपका जॉब में भी चेंजेस संभव है, आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है यहाँ पे, और पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिए तीसरे घर को ये देख रहे हैं, तो तीसरे घर से संबंधित भी बदलाव होने चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित ही तीसरा घर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रहना चाहिए आप लोगों को। तो शनि की जहाँ तक बात है, शनि आपको कुछ धीमापन देंगे, और उसके बाद देखिए ये प्रवेश कर रहे इधर मकर में, तो मकर में अब ये इनका लास्ट चरण होगा, लास्ट फेज होगा इनका, उसके बाद इनको कुंभ में ही आना है फिर से। तो कोई अगर आपका काम पेंडिंग है, जैसे मान लीजिए विदेश से जुड़ा हुआ कार्य हो, या कोई आप मान लीजिए आर्टिस्ट टाइप का वर्क करते हो, 12वें घर से संबंधित कोई भी काम हो, वो अगर पेंडिंग है तो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने को लेकर यहाँ देखेंगे। अब शनि का 12वें घर में जाना, अब जो लोग देख लीजिए यहाँ पे बीच में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और जो बीच में मतलब अपने देश में आ गए थे, उनको फिर से फॉरेन जाना है जिन लोगों को, या फॉरेन का कोई ऐसा काम जिनका हुआ नहीं है पूरी तरीके से, आधा अधूरा रहा है, और यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो काम है वो पूरा हो जाए, तो निश्चित ही आपको इसमें सहायता मिलेगी शनि के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। देखिए गुरु आपकी कुंडली में 11th हाउस और वो 2nd हाउस के स्वामी हैं, और 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, मंगल भी इनके साथ है इस महीने में लगभग, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी संभावना आप लोगों के लिए धन से संबंधित कार्यों में बनी हुई है। काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको धन मिलना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का लाभ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ मंगल हैं तो थोड़ा सा परिवार फैमिली के साथ सावधानी बरतें, हर किसी के साथ भी बात करते समय अपना जो व्यवहार है वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। और यहाँ पे जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही ये जो महीना है इसमें आपको कैश के रूप में हो, भले किसी भी रूप में हो, प्रॉपर्टी के रूप में हो, धन जरूर आना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पे ये बता रही है, और साथ में अगर कहीं से आप लोन वगैरह लिए हैं पहले तो आपका लोन उतर सकता है, आपने उधार लिया है किसी से पैसा वो आपका उतार सकते हैं आप।
इसके अलावा आपकी फैमिली में कुछ धार्मिक कार्य, कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं, और साथ में देखिए धन तो आपको आएगा ही, कुछ ना कुछ खर्चे भी होते रहेंगे। तो अब जिन लोगों का बिजनेस है, भले ही किसी भी प्रकार का काम है, भले ही किसी ग्रुप से जुड़ के काम कर रहे हो, बट यहाँ पे जो स्थिति है वो आपके लाभ में ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गुरु का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में गुरु देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, अष्टम भाव को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति में फ़ायदा करवा सकते हैं, अचानक कहीं से ये धन दिलवा ही सकते हैं। इसके साथ ही जो इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, तो 10th हाउस से संबंधित भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित ही आपको कैरियर के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग विशेषकर जो जॉबलेस हैं उनके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ बनी हुई है कि आप लोगों को जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए कुछ ना कुछ अपने करियर के लिए। और उसके बाद देखिए, हम अगर बात करें यहाँ पे आगे बढ़कर मंगल की, तो मंगल के गोचर को अगर आप देखेंगे, मीन में रहेंगे मंगल, और 27 जून तक वो यहाँ पे हैं। तो 27 जून का जो समय है, लगभग हम यही कह सकते हैं कि पूरा जून का महीना ही है जिसमें मंगल गोचर करेंगे मीन में। तो ये स्थिति प्रॉपर्टी जैसे कार्यों के लिए ज़्यादा अच्छी है, ज़मीन का कोई लेन देन है या कोई और इस प्रकार का कार्य है उनके लिए ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। साथ में वाणी पर थोड़ा कंट्रोल नहीं रहेगा, फैमिली में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है किसी छोटी बात को लेके, और ज़्यादा तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात और नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, साथ में मंगल है वो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कैरियर के मामले में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, और 10th लॉर्ड है वो गुरु के साथ ही हैं, और ये आपस में दोनों बहुत अच्छे मित्र ग्रह भी हैं, तो निश्चित ही यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। तो कैरियर को लेकर भी आप लोगों को फोकस यहाँ पे जरूर करना चाहिए जून के महीने में। शुक्र की जहाँ तक बात करें, शुक्र का गोचर अगर आप देखोगे तो 18 जून तक मेष में है, उसके बाद वो आगे बढ़ आएंगे यहाँ पे। तो शुक्र जब तक मेष में है, देखिए तीसरे भाव में है, राहु के साथ है, तो कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, कोई ना कोई खुद का कोई परफॉर्म कर रहे हो कहीं पे, या मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, यानी 3rd हाउस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी फायदा होगा यहाँ पे। और जो लोग आर्टिस्ट टाइप के वर्क करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार का अन्य ऐसा कार्य करते हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो निश्चित ही फायदा है। और यहाँ पे तीसरे घर में शुक्र राहु हैं, तो अपने पड़ोस में जो स्त्रियाँ हैं विशेषकर, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको रह सकती है, और उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो किसी भी वजह से। साथ में यहाँ पर जो शुक्र है, वो 9th हाउस का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी होकर और 4th का स्वामी होकर तीसरे घर में, तो निश्चित ही कोई प्लान बन सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सभी का बनेगा, बट कुछ ना कुछ राहु के साथ युति किया है तो ऐसा चांसेस बनता है, जहाँ पे फॉरेन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन आएगा, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करने का कोई कनेक्शन आएगा, यानी दूर जाने का, ट्रेवल करने का कोई ना कोई चांसेस आ सकता है। तो ये स्थिति भी आपको देखनी चाहिए। साथ में विशेषकर पुरुषों के लिए यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ सकता है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ यहाँ पे है तब तक। तो 18 जून तक ये स्थिति रहेगी, इसके बाद वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में आने के बाद ये अपने खुद के घर में आ जाएंगे, तो आपको अधिकतम सुख प्रोवाइड करेंगे, लग्जरी का सुख प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से ये 10th हाउस को देखेंगे तो जिन लोगों का प्रोफेशन शुक्र से जुड़ा हुआ है उनको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हम बुध की बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। और बुध जो कि आपकी कुंडली में 8वें घर के स्वामी हैं और 5म के स्वामी हैं, ये यहाँ पर वृषभ में गोचर कर रहे हैं, और ये 3 जून से मार्गी हो जाएंगे। यानी 3 जून से आपके अगर अष्टम भाव से संबंधित कोई कार्य है, 5म से संबंधित कोई कार्य है, वो बनने लगेंगे। साथ में बुध जो कि यहाँ पे 4th हाउस में है, तो 4th हाउस से संबंधित कार्यों पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। बुध देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, 10th हाउस को देखने से जिन लोगों का बुध से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन है, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन हो गया, उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली। दूसरी बात, यहाँ पे बुध हैं वो सूर्य के साथ हैं, तो बुध जैसे जैसे मार्गी होंगे, निश्चित ही आप लोगों को जो जीवन में एक जो गति है वो देखने को मिलेगी, और सूर्य का प्रभाव भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी फायदा यहाँ पे मिलेगा।
तो बुध के लिए हम यही कह सकते हैं कि आपको अगर देखिए संतान से रिलेटेड कोई कार्य है, अपने खुद के घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है, घर के सदस्यों के बीच में जो एक वातावरण बनता है, जो एक माहौल बनता है आपस में बातचीत करके, वो अगर धीमा पड़ गए या उसमें कोई ऐसा बात नहीं हो रही, तो कम्युनिकेशन जो है मुख्य रूप से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधर जाएगा। इसके साथ ही अष्टम भाव से यहाँ पे यानी अष्टम के स्वामी हैं बुध, तो निश्चित ही कोई प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, कोई इनलॉज से कोई फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर अब फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। और चंद्रमा के बारे में अगर बात करेंगे तो चंद्रमा पंचम घर में गोचर करेंगे शुरुआत में, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है इस महीने के स्टार्टिंग में, और कुछ ज़्यादा इमोशनल आप रहेंगे पंचम भाव से संबंधित कार्यों में, यानी अपनी खुद की एजुकेशन हो, संतान की एजुकेशन हो, संतान के लिए कोई कार्य हो, या आपके किसी से कोई प्रेम संबंध हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग रहेंगे। साथ में कोई क्रिएटिव वर्क से आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है, किसी भी प्रकार का सृजन क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो चंद्रमा का कुछ इस प्रकार का रिजल्ट रहेगा। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 15 जून तक वृषभ में वो गोचर कर रहे, तो 15 जून तक का समय है जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर को लेकर देखोगे तो बहुत ही शानदार यहाँ पर एक अच्छा अवसर आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर सरकारी लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और मिथुन में वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे संतान पक्ष के लिए अच्छा कह सकते हैं और धन लाभ कोई ना कोई होगा। इसके अलावा क्रिएटिव स्किल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो सूर्य की जो यहाँ पे पावर है वो पंचम भाव में शिफ्ट होगी, पंचम भाव में शिफ्ट होने से पंचम भाव के जो कार्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, और उधर क्योंकि बुध मार्गी हो चुके होंगे तो वैसे भी आपको पंचम भाव के जो कार्य हैं पूर्ण रूप से जैसे पहले आपके बनते आ रहे थे, जैसे पहले चल रहे थे, वैसे के वैसे स्थिति में आ जाएंगे, नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लगभग हमने चर्चा की है सभी ग्रहों के बारे में, और अब राहु केतु की जहाँ तक बात करें, देखिए राहु केतु आपको तीसरे और यहाँ पे नौवें घर में गोचर कर रहे, तो इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राहु थर्ड में है, तो ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपको कुछ देगा, कुछ अपने हाथ के द्वारा काम, अपना खुद का कोई काम, कोई ऐसा साहसिक काम, मंगल की राशि में है तो साहसिक काम भी दे सकता है, कोई कोई स्पोर्ट्स वगैरह में इस प्रकार का कोई काम अगर आपकी कुंडली में अच्छा योग बन रहा हो तो, क्योंकि यहाँ पे वो मंगल की राशि में है और मंगल 10th लॉर्ड भी है, तो इसलिए जो राहु का योगदान रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में जरूर रहना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ क्योंकि शुक्र इनके साथ युति कर रहे हैं और राहु देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं, बट किसी से पार्टनरशिप आप करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे अच्छे दिनों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अच्छे दिनों में 6, 7, 14, 15, 25, 26 ये दिन आप लोगों को काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मंथ में। तो अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए कुछ ऐसे दिनों की जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तो जब चंद्रमा अपनी खुद की ही राशि में ट्रांजिट करेंगे 3, 4 और 5 को, इस समय आपको अपने रूटीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सेहत का भी रखना होगा। इसके अलावा किसी के साथ धन का लेन देन वगैरह करते हो, या कोई कोर्ट केस है, या फिर मान लीजिए किसी से कोई विवाद हो गया है या होने वाला है, और अपने शत्रु से आपको जरूर सावधान रहना है 3, 4 और 5 तारीख को। इसके अलावा जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे वर्गो में, तो 8 और 9 को कोई एक्सीडेंट जैसी संभावना बन सकती है, कहीं पर चोट लगना, कोई दुर्घटना होना, अचानक धन की प्राप्ति भी इन 2 दिनों में हो सकती है, तो माइंड पर थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है किसी वजह से, तो इसका भी आपको ध्यान अवश्य रखना ही चाहिए। चंद्रमा का जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट होगा 16 और 17 को, तो ये 2 दिन आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए सही नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये 2 दिनों में थोड़ी परेशानी सेहत को लेके भी हो सकती है और डिसीजन मेकिंग को लेके भी हो सकती है। तो ये कुछ दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं, तो इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो फिलहाल देखिए हम सारी जो चर्चा है वो कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।